बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट को भी ये सेम टू सेम पहने देखा था, और मैंने बताया था कि देख श्रिया ये अपने जैसे एयररिंग्स पहनी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग, और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो ज्वेलरी से रिलेटेड है, और आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एयररिंग्स बताने वाली हूँ। ये जो एयररिंग्स है ना वो आप पार्टीज में पहन सकते हो, कैजुअली पहन सकते हो, बेसिकली पार्टी वेयर ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे फर्स्ट मैं आपको एयररिंग बताती हूँ, मैंने सारी इधर पर कलेक्ट करके रखी हुई है। सो फर्स्ट वन इज ये राउंड शेप में चांद बालियाँ, बहुत ही पसंद है मुझे ये, और ये सबसे ज़्यादा मेरे काम आती हैं। सो लुक एट दिस, इसका वर्क, इसमें जो काम किया हुआ है डिटेलिंग में वो बहुत ही अच्छा लगता है। आई एब्सोल्युटली लव दिस एयरिंग, और ये मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ किसी भी आउटफिट पे, स्पेशली जो एथनिक वेयर होते हैं उस पर आसानी से चली जाती है। बहुत ही लाइट वेटेड है, अफोर्डेबल है। सो फर्स्ट वन इज दिस वन। नेक्स्ट वन इज थोड़े से कलरफुल बता देती हूँ आपको, जो मैंने देखते से ही पसंद कर ली थी, ऑरेंज एंड कुछ पेस्टल टाइप के कलर्स हैं, बट ये बहुत ही सुंदर एयरिंग मुझे लगी। तो देखिए आप, काफ़ी सुंदर है ना, और ये पहनने के बाद भी एक नया ही लुक क्रिएट हो जाता है हमारा, जो अभी हम तैयार होते हैं ना तो एनहेंस हो जाता है हमारा लुक इस टाइप के एयरिंग्स पहनने से। तो ये मल्टी कलर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने वाइट कलर का सूट पहना तो उसके साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हैं, ब्लैक के साथ भी पेयर कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आप ऑरेंज के साथ तो पेयर कर ही सकते हैं। तो ये इस टाइप की एयरिंग है, सुपर लाइट वेटेड एंड अफोर्डेबल। नाउ गोल्ड टोन में मैंने काफ़ी सारी एयरिंग्स ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आती हैं। सो अगेन गोल्ड टोन में आपको दिखाती हूँ मैं, वो है इस टाइप की एयरिंग, एंड ये भी डैंगल्स ही हैं। सो लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, है ना। इसका जो काम है, अब आपको नेकलेस पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपने इस टाइप के एयरिंग्स डाल लिए ना तो आप कुछ और ही लगोगे, मतलब बहुत ही सुंदर। सब लोग पूछेंगे आपने एयरिंग्स कहाँ से किए, तो देखिए इस टाइप से, मुझे लग रहा है मेरे ये वाले एयरिंग्स से ज़्यादा ये वाले इस ड्रेस पर सूट हो रहे हैं, आप क्या कहते हो, है ना। तो देखिए ये वाले भी मुझे बहुत अच्छे लगे। नेक्स्ट आई एम गोना शो यू कुछ पेस्टल सा ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन और सी ग्रीन, वॉट एवर यू कॉल, ये है इस टाइप का एयरिंग। सो देखिए इसमें ना ये स्टोन दिया हुआ है, एंड इसमें पर्ल का काम किया हुआ है, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड टाइप के एयरिंग्स हैं, और बहुत ही एलिगेंट है, यूनिक डिज़ाइन है। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, और इसमें आई डोंट थिंक कि कोई और कलर होगा, यही कलर थे, बट ये है ना बहुत सारे आउटफिट्स में चल जाते हैं, और इस टाइप के एयरिंग्स आप वेस्टर्न आउटफिट पे भी पहन सकते हो, बहुत ही प्यारे लगेंगे। सो मैं इस एयरिंग्स को ज़रूर आपको बोलूँगी, मतलब रिकमेंड करूँगी कि आप लें, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी में ये रिसीव हुए हैं, एंड इसमें जो ये स्टोन लगा हुआ है ना उसका कलर मुझे बहुत सही लग रहा है, बहुत ही अच्छा, एकदम सा चंकी सा नहीं है बट बहुत सुंदर लग रहा है। इस टाइप के एयरिंग्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, स्पेशली पार्टी वेयर, जब भी हम कुछ ऐसे सूट डाल लिया जिसमें सामने वर्क है और हमको हैवी एयरिंग्स पहनने ना, तो इस टाइप के एयरिंग्स बहुत काम आते हैं। नाउ मैं आपको सिल्वर टोन में दिखाती हूँ। तो सिल्वर में मुझे इस टाइप के ये स्क्वायर शेप में अच्छे लगे थे, एंड दीज आर ऑल्सो सुपर लाइट इन वेट, और इसमें मतलब कुछ ऊपर से लगा नहीं हुआ है, ये मटेरियल ही ऐसा है। सो अभी तक तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, अभी तक तो चल रहे हैं, मतलब इसकी पॉलिश वगैरह कुछ गई नहीं है, बट इन केस अगर ये काले पड़ गए तो ये ऑक्सीडाइज वाला लुक देंगे, तो तब भी मैं इसको पहन पाऊंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बाद में कुछ वेस्ट हो जाएंगे, बट हाँ ये अच्छी क्वालिटी में है और इसकी पॉलिश नहीं गई है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लेना, अगर आप लेना चाहते हैं। मुझे तो ये बहुत सही लगे एयररिंग्स, बहुत सुंदर लगते हैं पहनने के बाद, और स्पेशली वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ जिसमें आपने जीन्स वगैरह डाली हुई है, टॉप पहना है और उसके साथ आप इसको पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। डैंगल्स ही ज़्यादातर मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं डैंगल्स ज़्यादा खरीदती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन इन गोल्ड टोन, और ये इस कुछ इस तरीके से है, इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं और गोल्डन टच में ही ये पूरे जो स्टोन्स हैं वो हैं, पेस्टल टाइप का आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा शाइन है इसमें, पत्थर पे ही है, और ये
एयरिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत ज़्यादा ये भी काम आते हैं। मैं वेस्टर्न एंड इंडियन दोनों में इसको पेयर कर लेती हूँ। और मैंने ना बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट को भी ये सेम टू सेम पहने देखा था, और मैंने बताया था कि देख श्रिया, ये अपने जैसे एयरिंग्स पहनी हुई है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे उसके ऊपर भी, और मैं पहनती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये भी बहुत सही एयरिंग्स हैं, लाइट वेटेड हैं, स्टोन ज़रूर लगे बट बहुत लाइट वेटेड है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो, पार्टीज वगैरह में पहन लो और डांस वांस करोगे तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से घूम फिर सकते हो इधर उधर। नाउ नेक्स्ट जो मैं आपको एयरिंग बताने वाली हूँ वो है हूप एयरिंग्स, जो बहुत काम आते हैं। आई नो मैं जब भी हूप एयरिंग बताती हूँ ना आप लोग बहुत पसंद करते हो, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बहुत सारे हूप एयरिंग बताए थे अपने वीडियोस में, आपने पसंद किए थे। सो अगेन ये देखिए कितने सुंदर हूप एयरिंग्स हैं, इस टाइप से इसमें काम है। एंड ये कुछ पाइप है, मतलब ये इसका कलर या जो भी इसका पॉलिश है वो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये कुछ पाइप में ऐसा काम किया हुआ है, अंदर से ग्लिटर ऐड है उसमें, मतलब अंदर ही ऐड है कुछ क्रिस्टल्स वाला काम है ना। तो ये डैंगल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये लाइट वेटेड है सबसे अच्छी बात। जब मैं इसको खरीद रही थी तो मुझे लग रहा था कि यार ये कभी हैवी हुआ तो मैं पहन पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा बहुत कंसर्न रहता है कि हैवी नहीं होना चाहिए। तो देखिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, आप वेस्टर्न आउटफिट में पहन लो, इंडियन में पहन लो, दोनों में मस्त जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज कुछ बचा है कि सब बता दिया मैंने, बचा है ओके। सो मैंने ये बेसिकली लिए हैं श्रिया के लिए, ताकि वो थोड़ी सी तितली जैसी लगे। सो ये हैं तितली वाले यानी कि बटरफ्लाई वाले एयरिंग्स, और ये भी मैंने बिग बॉस के कंटेस्टेंट को पहने देखा है। ये मैं बता दूं क्या, सुनबुल है ना उसमें उन्होंने पहना था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनके ऊपर भी, और ये मैं मेरे पास पहले से थे तो मैंने ला वाओ यार, क्योंकि जितने भी साइट पे रहते हैं ना ये फिल्म स्टार्स भी और जो डेली सोप में आते हैं उन लोग भी खरीदते रहते हैं, और कई बार आपको भी देखने में मिलेगा, स्पेशली जवेरी पर्ल्स के इस टाइप के जो ब्रांड के आते हैं ना। सो ये देखिए ये मुझे बहुत अच्छे लगे, इसमें पर्ल का पूरा काम किया हुआ है, अच्छे से इसकी डिटेलिंग देखिए आप कितना सही काम है, सुपर लाइट वेटेड है और आपका लुक एनहेंस कर देंगे। आप इसको वेस्टर्न के साथ पहन लो, इंडियन के साथ पहन लो, मैंने तो सूट के साथ पहना था, कुर्ता सेट के साथ इसको एक बार पहना था, बहुत सही लग रहे थे। नाउ सेकेंड लास्ट आपको जो दिखा रही हूँ वो है ये पर्ल डैंगल्स, और इस तरीके से हैं ये, इसमें सामने की तरफ ऐसा छोटा लगा है देन बड़ा, फिर छोटे 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 ऐसे करके हैं। पर्ल वाले जो एयरिंग्स होते हैं वो हम किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं, बहुत सारे आउटफिट के साथ चले जाते हैं, एंड ये इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों के साथ पहन सकते हैं। मैं और श्रिया हम दोनों इसको पेयर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी ड्रेस। तो ये उस टाइप के एयरिंग्स हैं, मतलब कि सस्ते सुंदर और टिकाऊ, आप ले लो और उसको पहनते रहो चलाते रहो, कभी भी ना तो उसकी पॉलिश उतरती है और ना ही ये कभी खराब होते हैं। तो आई थिंक ये 170 कुछ रुपीस में मुझे मिले थे, लेकिन मस्त निकले ये एकदम सही। नाउ लास्ट वन इज दिस वन विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ, और ये है एक झुमकी वाले एयरिंग्स, जिसमें देखिए बहुत अच्छे से काम किया हुआ है। ये मैं सुपर लाइट वेटेड तो नहीं बोलूँगी हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेड नहीं है ये, आप आराम से कैरी कर सकते हैं जैसे कि मैं कैरी करी हुई हूँ, और देखिए कितने सुंदर लगते हैं पहनने के बाद, मेरे आउटफिट के साथ ही अच्छे से जा रहे हैं। तो इस टाइप के एयरिंग्स भी आप ले सकते हैं, ये थोड़ा कॉस्टलियर साइड पर थे क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए, एंड ये मेरे अराउंड 2 से 2.5 साल हो गए इसको, कुछ भी नहीं हुआ इसका, जस्ट एक इस तरीके की पन्नी में डाल के रखती हूँ मैं, कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे ये अभी तक मेंटेन है, कई बार मैं पहन भी चुकी हूँ। सो हाँ एक आइटम मैंने स्किप कर दिया जो कि चांद वाली में ही आता है, और ये वाला जो एयरिंग है ना इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, मतलब जो पहले वाला मैंने दिखाया था ये वाला, और अब मैं दिखा रही हूँ ये वाला, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ब्लू पर्ल्स भी लगे हुए हैं, एंड ये जो झुमकियाँ हैं बोल लो या फिर क्या बोलेंगे इसको, झुमके बोल लो आप, चांद वाली बोल लो, ये जब भी पहनोगे ना आप बहुत ही सुंदर लगोगे। आई नो क्योंकि इस टाइप का जो झुमका होता है ना वो हमारे लुक को बहुत बढ़ा देता है, मतलब आपने सिंपल सी गले में एक चेन डाली हुई है और आपने ये झुमकी पहन ली एंड यू आर गुड टू गो, बहुत लाइट वेटेड है, आराम से डांस करो बारात बारात में,
खूब मस्ती मारो, कुछ भी करो, ये इनका कुछ होना नहीं है, कुछ बिगड़ना नहीं है और गिरने भी नहीं वाले, क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट है। इस टाइप से आप ले सकते हो। अभी शादी का टाइम तो चल ही रहा है और आप वैलेंटाइंस डे पर भी इनमें से कोई पेयर कर सकते हो या फिर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। सो बस इसी नोट पर मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं मेरे चैनल पे। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।